गोंडा के टाउन हॉल मैदान में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा व जिले के मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया। कोविड के प्रभाव के कारण जो बहुत सारे हमारे पटरी दुकानदार थे, बहुत सारे हमारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, छोटा बिजनेस करते थे, छोटी सी कोई दुकान लगाते थे, उनके बिजनेस में व्यापार में कहीं ना कहीं मंदी आ गई थी। तो एक ये मैसेज है कि अब वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छा हो गया है और भी लगातार प्रयास चल रहा है, प्रतिदिन 50 से 60 हज़ार वैक्सीनेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ हम वापस आएँ और किस तरह से हमारे उद्योग धंधे इस दीपावली के त्यौहार पर मार्केट और अच्छा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करें, लोगों की इनकम भी बढ़े और समृद्धि का जो एक मैसेज ये त्यौहार देता है वो मैसेज एक पब्लिक में जाए। मेले में स्वयं सहायता समूह व छोटे छोटे दुकानदारों की तरफ से कपड़े, खिलौने व बर्तन समेत विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ से लोग दीपावली पर्व के लिए बजट के मुताबिक खरीदारी कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि दीपावली का पर्व सभी के लिए समृद्धि भरा हो, इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट मिल रहा है। इस मेले में तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के भी स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूह के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत फोकस रहा है और फॉर्चुनेटली हमारे जनपद में जो SRLM स्कीम है, इसके अलावा डूडा ने भी जो इनकी अर्बन लाइवलीहुड मिशन के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनमें बहुत अच्छा काम किया है और उसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो जैसा कि यहाँ के स्टॉल्स में देखा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो महिलाएं स्वयं बना रही हैं और धीरे धीरे रिफाइनमेंट आ रहा है, बड़े अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज से लेकर कपड़े सिलने तक हर तरह के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी भी घर में अगर पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं तो डबल इनकम होती है और उस डबल इनकम से समृद्धि आगे बढ़ेगी। कोरोना काल के दौरान जहां रोजगार ठप हो गया था और पटरी दुकानदारों व छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था, अब वह दौर बीत चुका है और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। इस महामारी से निजात के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है। इस मेले के माध्यम से इस तरह के छोटे दुकानदारों और स्वयं सहायता समूह को रोजगार मिल सकेगा और वह भी दीपावली खुशी से मना सकेंगे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तीनों नगर पालिका गोंडा, करनैलगंज, नवाबगंज और पूरे जिलों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की देता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो अभी हमारे सीडी साहब ने बताया है कि जो है मदनी का जो जोर था कोरोना के, उसमें बहुत अच्छा संदेश से जाएगा कि फिर बाजारें भी आगे बढ़ेंगी